हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ ये ढोकला का रेसिपी, जो कि बहुत ही कम टाइम में हमारा बन के ही रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्ट लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना किए वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को जरूर यूज कीजिए, इस तरह आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पा सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले ली हूँ बड़ा सा बाउल, और इसमें मैं ले लूँगी ये एक कप में ले लूँगी बेसन। और ये बेसन डाल के फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और हल्दी मैं डाली हूँ हाफ चम्मच, और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी हाफ हाफ चम्मच डाली हूँ, और एक चम्मच डाली हूँ कश्मीर लाल मिर्च। अब इन सारे चीज़ों को मिला लेते हैं हम, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा डो बनाएंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बना लेते हैं। तो डो हमारा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए थोड़ा सा और गाढ़ा लग रहा था, तो थोड़ा सा पानी में और डाली हूँ। और जितना आप फेंटेंगे इसे इसको उतना ही ये हो जाएगा सॉफ्ट, तो इसे अब फूलेगा भी अच्छा से। तो आप इसे ज़्यादा देर थोड़ा फेंट लीजिएगा। अब इसको हम साइड करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और यहाँ हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए केक टिन को हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो ये देखिए केक टिन हमारा अच्छे से ग्रीस हो गया है। अब हम देखिए बैटर को देख लेते हैं। बैटर हमारा अच्छे से रेडी है। अब चलिए इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर। आपके पास इनो हो तो आप इनो भी डाल लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेट होने के लिए इसको हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इसके ऊपर, बेकिंग पाउडर के ऊपर, तो एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए पेंट ली हूँ मैं, अब केक टिन में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह किटन में ट्रांसफ़र करके इसे थोड़ा सा हिला लीजिएगा, अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं कढ़ाई बैठा ली थी, तो कढ़ाई में पानी थोड़ा सा दी थी और स्टैंड कर रख ली थी। और ये देखिए यहाँ पर मैं दे दी हूँ इसको केक टिन को रख के। इसे अब कवर कर लेंगे और इसे 15 मिनट 20 मिनट के लिए बस कवर करेंगे। ज़्यादा देर इसे नहीं लगता है होने में। तो ये देखिए 15-20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टूथ पिन बिल्कुल क्लियर निकला है। ये बन के हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये देखिए ठंडा होने के बाद में इसे हम चारों ओर से छुड़ा लेंगे। फिर इसमें एक प्लेट रख के उसको पलट लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से निकल के रेडी हो गया है हमारा। और ये देखिए कितना स्पंजी बन के रेडी हुआ है, और बहुत अच्छे से बन के रेडी हुआ था ये। बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, चलिए अब इसका चूंक लगा लेते हैं इसको। तो इसलिए चूंक के लिए मैं यहाँ पर पैन बैठा ली हूँ। तेल में दे दी हूँ 2-3 चम्मच तेल, अच्छे से गर्म हो जाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे राई 1 चम्मच। और राई अच्छे से सटक जाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्ची को। हरी मिर्ची के बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता। अब हम इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर भून लेंगे, और भून लेने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें 1/2 कप ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो आपका पानी डालने के बाद फिर हमें इसे उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे नमक। नमक 1/2 चम्मच डालना है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। चीनी मेल्ट होने तक हम इसे पकाना है। बस इसे अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता। अब हम इन सारे चीज़ों को थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, बस 2-3 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 लेमन, इसे निचोड़ लेंगे अच्छे से। बस अब हम इसे 2-3 मिनट और पकाने के बाद इसे बंद कर देंगे गैस को। और चलिए देख लेते हैं ढोकले को। तो ढोकले को हमें इस तरह कट कर लेना है। ये देखिए अच्छे से हमें कट कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही स्पंजी बना है हमारा ढोकला। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने बना के रखे थे, यहाँ पर जो छूंक लगा के रखे हैं, अब इसे दे देते हैं इसमें। ये देखिए इस तरह स्प्रिंकलिंग करने के बाद फिर हम इसमें डाल रहे हैं ये थोड़ा सा नारियल को इस तरह कद्दूकस कर लेंगे और इसे डाल लेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा। आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं तो ऐसे स्किप कर सकते हैं आप। और ये देखिए फ्रेंड्स, ढोकला हमारा बनके रेडी हो गया है। आप इस प्रकार जरूर बना के खाइएगा, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना डिलीशियस ये दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना स्पंजी बना है हमारा, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये खाने में। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।